हेलो एवरीवन, मेरा नाम है असरा और का मेरा विषय आप सबका बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज्यादा जरूर कर देना। आज की वीडियो में हम देखने वाले भाई चंदू ने 10,000 रुपए के जो टमाटर है ना वो खरीद लिए आज, तो देखते हैं कि उनको कितना प्रॉफिट होता, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के सच्ची में बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन देखते हैं आज उनको कितना प्रॉफिट होता है। प्लीज वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। देखते हैं छोटी छोटी, देख सकते हैं हम लोग टमाटर क्वालिटी, ये बेस्ट क्वालिटी वाला टमाटर है भाई, एक नंबर माल। चलो लिया टमाटर, कितने में लिया भाई? और अभी मैंने टमाटर ले लिया भाई, ये सब अपना सामान है, इतना सारा कैरेट्स, मतलब इतना सामान भाई 10,930 रुपए का फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसा सेलिंग रहता है। भाई आलू टमाटर, गोभी आलू टमाटर, नहीं तो हम ज्यादा दिन ऐसे नहीं है। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग, वापस से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब वही बज रहे हैं सुबह के 6, और अभी सुबह सुबह मैं आया हूँ भाई सब्जी बेचने, कल का जो बचा वाला सामान है उसको लेके। देख सकते हो भाई अपने पास है फूल गोभी, मिर्चा, धनिया, लौकी और थोड़ा सा टमाटर भाई। और ये देखो कस्टमर भी आ गए भाई, ले रहे हैं टमाटर ले रहे हैं। और रेट की बात करें भाई तो गोभी जो है कल मैं 80 बेच रहा था, अभी बेच रहा हूँ 60, टमाटर 40 रुपए, 50 बेचे हाँ जी, 40 हो गया अब कम। दे देना तो चलो भाई कस्टमर आए थे चले गए, अभी चलो इधर से चलते हैं अपन, ये आगे साइड इधर यार। ए गोभी टमाटर धनिया मिर्ची अदरक, भाई साहब अभी अपन आया भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो और कस्टमर भी मिल गए। गोभी मामा 80 बेचे है तो बस 60 लगा दूंगा, 60 की खरीदी गोभी सही में, लोकल गोभी ना देखने, देसी वाले दे, देसी गोभी किसान देते हैं। हाँ आधे किलो दे दे, चल आधा किलो दे दे, 50 की हो नहीं है। ये मिल गया भाई 100 रुपए का नोट, 100 रुपए की सेलिंग यहाँ पास करी। अब चलो इधर से चलते है नेक्स्ट आगे इधर भाई। गोभी पताल धनिया मिर्चा है भैया, गोभी टमाटर धनिया मिर्चा नहीं चाहिए, ए गोभी टमाटर धनिया मिर्ची है। तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो भाई यहाँ, और अभी कस्टमर आ रहे हैं। एक पाव दे था मिर्चा, आधा किलो थोड़ी दे दो मामा, 20 रुपए बेचा था, आधा किलो 30। और अभी फाइनली सब्जियाँ खत्म भाई, देख सकते हो गोभी भी बिक गया और टमाटर भी बिक गया, सिर्फ मिर्ची और धनिया बस थोड़ा थोड़ा बच गया यार, ये देखो। तो चलो अब चलते हैं वापस घर। दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, और अभी भाई मैं जा रहा हूँ वापस सब्जी मंडी सब्जियाँ लाने के लिए। सुबह मैं गया था भाई सब्जी बेचने, तो लगभग 300 रुपए का सेल किया भाई सुबह पे अपन ने, अपना जो बचा वाला सामान है उसको, तो कल का वो प्रॉफिट है। तो अभी चलो फिर से चलते हैं मंडी सब्जियाँ लाने। अभी देख सकते हो गाड़ी रेडी है, ये अपना खाली कैरेट्स, इन कैरेट्स को जमा करना है भाई, कमीशन वाले टमाटर लाने के लिए दिए रहते हैं, इनका चार्ज जो है नहीं लगता भाई, फ्री रहता है, ले जाके इसको नेक्स्ट डे जमा करना रहता है भाई, तो इनको जमा करेंगे और देखते हैं आज कौन कौन सा वेजिटेबल्स लेके आते हैं भाई। चलो तो अभी फाइनली पहुंच चुके भाई मंडी, और अभी मैं कैरेट को आया हूँ जमा करने भाई यहाँ पास, ये देख सकते हो इनके पास जमा करना है भाई कैरेट और पैसा। मेरा बिल निकल रहा है क्या भाई? निकल गया। कितने रुपए देना है सर? 2 करेट है और 1,666 रुपए पैसा देना भाई। देख सकते हो टमाटर लिया था 835 रुपए पे, ये लो भैया पैसा ले लो, 1,660 रुपए। हाँ ये मिल गया भाई रसीद। अभी चलो भाई चलते हैं मंडी की तरफ। इधर भाई सामने टमाटर का बोली आया है, काफी बड़ा बड़ा है भाई टमाटर जो है, टमाटर 600 रुपए का बोला जा रहा है भाई, 600 भाई, साइज थोड़ा सा ओवर साइज हो गया है टमाटर का, इसलिए थोड़ा दिक्कत जा रहा है, 700 बिकता है, 610 630 630 रुपए कैरेट कट रहा है टमाटर, छोटा वाले के साइज बड़ा है, थोड़ा ओवर साइज हो गया।
और छोटा वाला लूंगा। चलो यार मेरे में टमाटर लेना यार बोली हो रहा है तो देखने कितना वाला टमाटर लेता हूँ, थोड़ा सा बेस्ट क्वालिटी लूंगा भाई साहब। यहाँ भी टमाटर आया यार, देख सकते हो हम लोग टमाटर क्वालिटी, ये बेस्ट क्वालिटी वाला टमाटर है भाई, लेकिन ये बिक गया यार मेरे को आने में थोड़ा सा लेट हो गया भाई। छोटू लिया टमाटर कितने लिया भाई? 700 रुपए करेट यार, गजब भाई एक तरफा। 50 बेचोगे 40? 40 यार, 40 बेचोगे फिर भी कमाओगे भाई 300 रुपए पर करेट में, है ना भैया? सही है, मेरे को आने में थोड़ा लेट हो गया भाई, नहीं तो मैं भी यही वाला लिया रहता है। अब जल्दी आना पड़ेगा कल से, मेरे को कल मिलेगा ना, कल से थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा भाई, और सुबह सब्जी बेचने गया था इसलिए लेट हुआ यार। अभी चलो उधर भी बोली हो रहा है भाई, उधर का टमाटर देखते हैं और लेते हैं भाई। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और अभी मैंने टमाटर ले लिया भाई, और 2 कैरेट गोभी और 1 बोरा आलू, और ये सबको डाला है ये पिकअप पे भाई, और ये पिकअप जो है सिर्फ घर तक लेके जाएगा यार, पूरा मार्केट तक नहीं ले जाएगा, घर से मार्केट बाइक पे लेके जाना पड़ेगा भाई। तो चलो अभी फिलहाल चलते हैं घर। दोस्तों अभी 2:30 हो रहे हैं भाई, और अभी जो मंडी से सामान लेकर आया भाई उसको अभी समय हो गया है बेचने जाने का मार्केट में। तो ये देख सकते हो भाई ये सब अपना सामान है, ये देखो इतना सारा कैरेट्स प्लस गोभी प्लस आलू, 3 ही सामान है, और ये सबको मैंने पिकअप पर लेके आया भाई, बुक करा के वहाँ से मंडी से। 100 रुपये भाड़ा लगा इसको यहाँ तक लेके आने का भाई पिकअप से, अब यहाँ से बाइक पर लेके जाना है यार, तो 2 बार में जाएगा भाई, 1 बार में तो जाएगा ही नहीं। और ये सब सब्जियों की बात करें ना भाई, तो 3 कैरेट टमाटर को मैंने लिया 500 रुपये के रेट पे, और 8 कैरेट टमाटर को अलग लिया 750 रुपये के रेट पे, और लिया है मैंने आलू 1700 रुपये बोरा पे, 1 बोरा आलू है, और गोभी लिया भाई 40 रुपये किलो पे, 26 किलो गोभी, तो ये सब मिला के अपना हो जाता है भाई 10,240। तो पहली बार इतना सारा सामान लिया भाई, और मुख्य रूप से टमाटर की वजह से इतना ज़्यादा रेट बना है, तो देखते हैं मार्केट में कैसा सेलिंग रहता है भाई साहब। तो चलो भाई ये सब को पैक करते हैं गाड़ी पे। दोस्तों फाइनली गाड़ी का सेटअप रेडी है भाई, ये देख सकते हैं यार 3, 3, 6 और 1 कैरेट टमाटर है, और 1 कैरेट अपना तराजू किलो बाड़ है भाई, इस तरह से बांधा हुआ है। ये बांधने का श्रेय इनको है भाई, बहुत हेल्प किए, धन्यवाद हिमांशु। कोई दिक्कत नहीं है, इसको एक बार छोड़ के आते भाई मार्केट में, एक बार और आना पड़ेगा ये सबको और लेना है भाई, इतना सारा सामान और बच गया है। अभी फाइनली पहुंच चुके भाई मार्केट, गाड़ी सामान को उतार लिया नीचे, ये सब बाइक पे लेके आया है, बाइक हो गया खाली। अभी चलते हैं भाई दोबारा फिर से अपन घर, और जो बाकी सामान है उसको लेके आते हैं। चाचा सामान रखे हैं, थोड़ा से ध्यान देख भी है। हाँ चलो दोस्तों, अभी फाइनली सामान को छोड़ के मैं आ चुका हूँ वापस से घर भाई, और अभी आप लोग देख सकते हो गाड़ी को फिर से पैक कर लिया है। ये देखो आप लोग भाई, इस बार है अपने पास 3 कैरेट टमाटर, 1 कैरेट मिर्चा, 1 कैरेट गोभी और 1 कैरेट इधर, और इसमें 1 बोरा आलू, मतलब 50 kg आलू। अभी फिलहाल इतने के लेके चलते हैं यार बाजार। तो दोस्तों अभी फाइनली दुकान रेडी है भाई, ये देख सकते हो 50 किलो आलू, और ये रहा अपना टमाटर, आधा टमाटर को नीचे डाला है भाई, और आधा टमाटर इधर बाकी है, पूरा सबको नहीं डाला भाई, बारी बारी डालेंगे। और ये रहा अपना गोभी भाई, तो ये तीनों आइटम का मैंने आप लोग को बताया था 10,240 रुपये, और ये धनिया मिर्ची का बताना भूल गया था भाई, तो ये दोनों है मतलब धनिया और मिर्ची दोनों मिला के 690, तो टोटल मिला के अपना हो जाता है 10,930 रुपये। तो मतलब इतना सामान भाई 10,930 रुपये का फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसा सेलिंग रहता है। क्या खाना सेठ? सब बढ़िया बढ़िया। क्या खिलाया भाई? टमाटर बैगन। हाँ क्या रेट बेच रहे टमाटर? टमाटर 40 ठीक है यार। और टमाटर ऊपर से जैसा दिख रहा था भाई, नीचे थोड़ा बड़ा बड़ा ज्यादा निकल गया है। दे हाँ दाई क्या किलो? 2 किलो। चलो इसको आलू देते हैं भाई 2 किलो, आओ देना अभी 1.5 किलो है। टमाटर थोड़ा सा ओवर साइज निकल गया है, ये देखो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है, थोड़ा सा मीडियम साइज और ठीक सेल होता है यार। अब देखते भाई जो होना था वो तो हो गया, कैसा सेल होता है टमाटर। आलू भी 40 है, टमाटर भी 40 है, गोभी जो 60 है भाई। चल दाई अले झोला में डाल दे, डाल दे डाल दे डाल दे। और आज मार्केट थोड़ा सा कम आया भाई, सब देख सकते हो सुनील भाई आए नहीं है, उसकी जगह पे कोई और बैठा है, और वो नहीं आया इसी वजह से बाइक पे लाना पड़ा यार। ये देखो मार्केट काफी कम वेजिटेबल सेल करने आया वाले आया भाई। गोभी 60, गोभी 60, गोभी 60 60 60 है, 80 वाली गोभी है चाचा।
60 लगभग। चले भाई आलू टमाटर गोभी, आलू टमाटर ये हो गया सस्ता हो गया, आलू गोभी पता नहीं 40 दें 40 एल माता, गोभी 60 गोभी 60 80 वाला गोभी 60 हो गया भाई, 80 वाला गोभी 60 नहीं 100 के ठाई आई चला 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 आलू भाटा टमाटर हे गोभी आलू गोभी आलू गोभी आलू पताल पताल वाले पताल वाले पताल वाले मां आओ धनिया मिर्चा ठीक है चला 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 भाई एती आओ सस्ता वाले आलू पताल टमाटर हे देसी 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 गोभी 60 है भाई 80 वाला गोभी 60 माँ 50 वाली नहीं है आज एक दिन पर 50 करूँ आज एक दिन 50 वाला लाऊं सस्ता वाले सही माँ 60 है 60 है 80 बेचा था 60 लगी बरकाल देना 110 धनिया भी से नहीं था टमाटर 40 120 आलू वाले टमाटर वाले आलू वाले टमाटर वाले तो दोस्तों अभी फाइनली अपना आलू पूरा खत्म हो गया, गोभी भी पूरा खत्म हो गया भाई, सिर्फ टमाटर बच गया यार। हाँ नानी हाँ ले टमाटर ले, टमाटर बहुत सारा बचा है भाई, इधर पीछे भी बाकी है और इधर सामने भी बाकी है। और अभी देखो भैया सब्सक्राइबर आए भाई अपने टमाटर लेने के लिए, यही क्या भैया नंगोई काफी कमेंट किए थे क्या नंगोई करके, वही कर रहे हैं ना। हाँ ठीक 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 भैया, वीडियो को लाइक किया करो ठीक है। आप कुछ धनी मिर्च 10 एक वाले 20 के एक नंबर मिर्चा है, खराब नहीं एकदम ताजा है, देख जिंदा मिर्चा जिंदा एक पौधा तीन किलो आलू के तो हो गए 120 आप कुछ तो भैया 525 ये दाई धनिया चल 5 किलो पकड़ नहीं तो हम ज्यादा दिन ऐसे नहीं है, पूरा हालत खराब हो गया भाई। दोस्तों अभी हो चुका है मार्केट द एंड और अभी मैंने अपना पूरा सामान उठा के गाड़ी पे पिकअप कर लिया भाई, ये देख सकते हो गाड़ी का लोडिंग देखो यार पूरा इतना सारा। और उधर देखो मनहरा भी अभी सामान पिकअप कर रहे है गाड़ी पे, इधर नानू भाई का पिकअप हो रहा है, तो चलो अभी निकल रहे हैं मार्केट से। दोस्तों अभी फाइनली मार्केट से पहुंच चुके घर यार, और आने में थोड़ा हालात खराब हो गया भाई, दर्द हो गया। और अभी देखो गाड़ी का सेटअप भाई, भाई को खड़ा करा दिया भाई पकड़ा के, और अभी गाड़ी सामान को उतार के चल दिया घर के अंदर, ये देख सकते हो भाई। और ये देखो गाड़ी हो गया खाली भाई, थैंक्स गाड़ी को बहुत सारा धन्यवाद भाई, बहुत सारा लोड लेके गया बेचारा। तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई सिर्फ टमाटर और मिर्ची बस बच गया यार, आलू तो बहुत अच्छे तरीके से सेल हुआ 40 रुपए किलो पे, बहुत जल्दी बिक गया था, प्लस गोभी भी अच्छा बिका भाई, 40 खरीदी गोभी था 60 रुपए में पूरा गोभी बिक गया, सिर्फ टमाटर और मिर्ची बचा है। तो अपने पास था 12 किलो मिर्ची, तो उसमें से देख सकते हो 2 किलो के आसपास मिर्ची बचा है, और 2 किलो था धनिया, तो धनिया पूरा बिक गया। और टमाटर था अपने पास 11 कैरेट भाई, तो 11 कैरेट में से ये देखो 3, 2, 5 और 2, 7 सात कैरेट टमाटर बिका है, 7 कैरेट टमाटर जो है बचा है भाई, 4 कैरेट टमाटर जो है बिका है। तो ठीक था मार्केट बढ़िया था, बस टमाटर का साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा निकल गया था ना, इस वजह से टमाटर बचा है। और इसमें भी देखो ये 750 वाला टमाटर है, बड़ा वाला टमाटर 8 कैरेट था जिसमें 5 बचे है, मतलब कि ये 3 कैरेट बिका है, और ये छोटा वाला टमाटर था 3 कैरेट तो इसमें 2 बचे है, एक बिका है। 4 कैरेट टमाटर सेल किया भाई, तो काफी 4 कैरेट भी बहुत होते हैं, और ज्यादा टमाटर मेरा सेल हुए रहता है, लेकिन साइज जो है ज्यादा बड़ा हो गया था टमाटर का, ओवर साइज हो गया था, इस वजह से जो है अभी अपने पास टमाटर बच गया है। और आज का सेलिंग तो मैंने फिलहाल अपना गिन लिया भाई,
तो अपना ये पूरा वेजिटेबल्स था 10,930 रुपए का, जिसको मैंने सेल किया था भाई साहब 7,800 रुपए का। तो उसमें से भाई साहब 100 रुपए मैंने वो पिकअप वाले भैया को भाड़ा दे दिया भाई वहां मंडी से घर तक लाने के लिए, और 100 रुपए का बाइक पे पेट्रोल डलाया था, तो 200 रुपए उसमें माइनस करते हैं तो अपने बच जाते हैं 76, मतलब 7600 रुपए, 7600 रुपए। मतलब कि भाई साहब अभी अपन 3430 रुपए के लॉस में चल रहा है भाई, लेकिन अभी अपने पास 7 कैरेट टमाटर है, तो अब जो ये बचा वाला टमाटर है यही अपना प्रॉफिट और मूलधन है भाई। मतलब इतने ज्यादा टमाटर वो लेकर आए हैं कि बिकना मुश्किल हो गया जिंदगी में। उन्होंने फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है हमने भी इनकी वीडियो इतनी देखी है, कभी नहीं इन्होंने इतने टमाटर खरीदे। 10,000, 11,000 यार, इतने ज्यादा टमाटर, और इतने ज्यादा टमाटर पता नहीं यार यहाँ पे तो नहीं लोग लेते इतने ज्यादा टमाटर। इंडिया में शायद लोग टमाटर मुझे लगता है हम काफी ज्यादा खाते हैं, तो इस वजह से, या फिर लोग हमें पूरा हफ्ते का सामान ले जाते हैं, तो इस वजह से भी टमाटर का जो यूज होता है वो हर किस्म की सब्जी में होता है। आपको पता टमाटर के बिना तो वो जो हांडी है ना उसका स्वाद नहीं आता। लेकिन यार अच्छा लगा उनको देखकर, इतनी ज्यादा मेहनत, सुबह पहले उठ के 6 बजे जो बचा सामान था वो बेचने गए, फिर वहां से आकर घर में बैठे थोड़ा रेस्ट किया, फिर बाद में मंडी गए वहां पे सब्जियां खरीदी, फिर वहां से ला के फिर अपने घर में लाए, फिर घर से लेके फिर दूसरी जगह लेके गए बेचने के लिए, वहां पे भी 2 फेरे लगाए लेके जाने में, हमें कितनी मेहनत है कसम से यार, बहुत ज्यादा बड़ा मेहनती ये बंदा है। और इनको जाके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि इनकी थोड़ी सी हमारी वजह से ही भाई उनकी हेल्प हो सके, और उनको जो है वो थोड़ी सी हिम्मत मिल सके। और ऊपर से व्लॉग बनाना भी बड़ा मुश्किल होता है ऐसी सिचुएशन में, काम कर रहे हो तो बंदे को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी भाई हाँ हमेशा इनके मुंह पे स्माइल देखिए, कभी नहीं कि निराश हुए, कभी नहीं हुए, कसम से कभी नहीं देखा। तो बहुत अच्छा लगा, आपको ये वीडियो कैसे लगी बताना। थैंक यू।